मुझे निक से मिलना है, प्लीज निक। निक, ओह निक, नाइट हाउलर्स मतलब भेड़िया नहीं, वो नशीले फूल हैं। कोई शिकारियों को खूंखार साबित करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वाह, काफी दिलचस्प बात है। रुको, मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है और तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं होती तो मैं भी माफ नहीं करती। मैंने अनजाने में और बिना सोचे समझे जिंदगियां खराब कर दी, लेकिन मैं मेरी गलती की सजा शिकारियों को भुगतने नहीं दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी, पर तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। और जब सब ठीक हो जाएगा तो मेरा मुंह भी मत देखना। मैं इसी लायक हूं क्योंकि दोस्ती तो निभाई नहीं, उल्टा तुम्हारा दिल दुखाया। और जिंदगी भर मुझसे कभी बात मत करना, क्योंकि तुम हमेशा सही थे और मैं गलत। मैंने मान लिया मैं एक बेवकूफ खरगोश हूं। टेंशन मत लो गजरेली, डिलीट करने का मौका मिलेगा 48 घंटे बाद। ओके ओके, अब आ जाओ मेरे पास। ओले बाबले, ओले ओले, इतना रोना आ गया। कोई बात नहीं, हल्का कर लो अपने मन को। ओ, कहीं तुम पेन तो नहीं चुराना चाह रही हो ना, नाटक तो नहीं कर रही हो? वैसे तुम मेरी पूंछ पर खड़ी हो, थोड़ा हट जाओ। हट हट करो। तो गाजर के अलावा बेरीज भी उगाते हो? तो प्लान क्या है? हमें नाइट हाउलर्स का पता लगाना है। ओके, कैसे? इसे जानते हो? हाँ, मैं कहा था ना मैं सबको जानता हूँ। लाटे सेले दाल में पड़ा छोकर जाने मत दो मौका। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स का बाप। ट्रेलर ऑनलाइन देखो, पिक्चर यहाँ से देखो। आंटी जानी जिंदा मत दूं क्या? नहीं, अच्छा शमशान की कहानी दूं क्या? है? देखो तो आज किसके दर्शन हुए, पारसी के सुल्तान आजम के। यहाँ क्यों आया? चल जा किसी छपरे में बैठ के आइसक्रीम की नदियाँ बहा। बेवजह जोश में होश खोने वाली खरगोश। तुम्हें भी पता है तुमने उस दिन कोई मामूली प्याज नहीं चुराए थे। सच सच बताओ, तुम नाइट हाउलर्स का क्या करने वाले थे? मैं काहे को बताऊं? मैं नहीं बताएगा। चल तू एक बात कान खुल के सुन ले, किसी भी हालत में मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। तुम इसकी मदद कैसे कर सकते हो? ये तो पुलिस वाली है। और मेरी बेटी के होने वाले बच्चों की मौसी। लड़की हुई तो नाम रखूंगी जोड़ी। गड्ढे में डाल दो ना गड्ढे को। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। मैं बताता हूँ, मैंने नाइट हाउलर्स बेचने के लिए चुराया था। वो मुझे तगड़ी रकम देने वाले थे, नए नोट। और तुमने उन्हें किसे बेचा? डग नाम के मेंढे को। उसका अड्डा जमीन के नीचे है, पर अपन पहले ही बोलता है कुछ भी करने का डग के ईगो को हर्ट।